तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उदयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। धानमंडी इलाके के दो लोगों को मिली है जान से मारने की धमकी। विदेशी नंबर की कॉल से दी गई है धमकी। सिर तन से अलग करने की धमकी मिली है। पुलिस ने बढ़ाई है दोनों की सुरक्षा। इसी थाना क्षेत्र में कन्हैयालाल को भी मिली थी जान से मारने की धमकी। तो बेहद गंभीर ये पूरा मसला। उदयपुर से ये बड़ी खबर है, धानमंडी इलाके के दो लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस के द्वारा इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि विदेशी नंबर से कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई है, पर कौन है जिन्होंने धमकी दी है, क्योंकि सर तन से जुदा करने की धमकी इन्हें मिली है। और यही वजह है कि ये वही नारा जो कन्हैयालाल के हत्यारों के द्वारा भी दिया गया था, तो वहीं अजमेर दरगाह के खादिम के द्वारा भी इस तरीके का बयान दिया गया था, उसको भी कोर्ट में पेश किया गया था। तो ऐसे में ये वो नारा जिसकी वजह से लगातार माहौल गरमाया हुआ और यही नारा देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने दोनों युवकों की सुरक्षा बढ़ा दी है जिनको जान से मारने की धमकी मिली है। तो वहीं इसी थाना क्षेत्र में कन्हैया लाल को भी जान से मारने की धमकी मिली थी और उसके बाद कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी लग पाई कि किसने धमकी दी? बिल्कुल, देखिए आयुषी, फिलहाल पुलिस जो है जिन नंबरों से इन दोनों लोगों को धमकी मिली है उन नंबरों के बारे में जानकारी कर रही है, उनके बारे में तमाम सबूत जो हैं वो जुटाए जा रहे हैं। दरअसल दोनों ही नंबर जो हैं वो विदेशी पिन कोड वाले हैं। ऐसे में संभावना ही जताई जा रही है कि ये किसी तरह की एक तरीके से बेवजह जो है सनसनी फैलाने के लिए धमकी दी गई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चूंकि पुलिस जो है संजीदा है, क्योंकि ऑलरेडी एक इस तरह का बड़ा घटनाक्रम जो है वो हो चुका है कन्हैया लाल को लेके, तो ऐसे में पुलिस जो है दोनों ही जो लोग हैं जिनको इस तरह की धमकी मिली है उन दोनों को पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बकायदा वहां पर गार्ड की जो तैनाती है उनके दोनों प्रतिष्ठानों के बाहर वहां कर दी गई है। पुलिस के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और पुलिस धानमंडी थाना पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी इस बाबत अब जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर जो जिन नंबरों से धमकी आई है वो कितने पुख्ता हैं या फिर किसी तरह की से जो है एक तरीके का फ्रॉड हो सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल। एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी कि क्या युवकों से जानकारी लग पाई कि उनके द्वारा नुपुर शर्मा के समर्थन में कोई पोस्ट डाली गई थी क्या, कि नुपुर शर्मा को लेकर कोई पोस्ट उनकी ओर से डाली गई हो या फिर धर्म विशेष को लेकर कोई पोस्ट उनकी ओर से अपडेट किया गया हो? बिल्कुल, देखिए आयुषी, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में किसी तरह की पोस्ट डाली हो। इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जो दोनों नंबर हैं उन दोनों नंबरों के बारे में 96 जो उनका एसटीडी कोड है उसके उससे जो है ये नंबर जो है उनसे इनको धमकी मिली है। तो ऐसे में अभी फिलहाल पुलिस तमाम चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसकी संभावना कम है कि इन लोगों ने भी नुपुर शर्मा के समर्थन में कोई पोस्ट डाली हो, लेकिन ऐसा अगर कुछ हो तो पुलिस की जांच। बिल्कुल रवि, अब देखना यही महत्वपूर्ण रहेगा कि आगे की कार्रवाई में कौन कौन से अहम तथ्य निकलकर सामने आते हैं, क्या कुछ खुलासा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।